देख रहे हैं SDM न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। आज आप सबको पता है कलेक्टर ऑफिस के ठीक सामने खासदार इम्तियाज जलील साहब के नेतृत्व में और तमाम पार्टियों के लोग यहां पर आ रहे हैं। ये कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं मेरे साथ मौजूद है मोटे भाभी और ये माजी नगर सेवक हैं। और जब महिलाओं की बात आती है तो इनकी अपना रुआब सामने आता है, बहुत दमदार बात करते हैं। आज पिंडाल में बैठे हैं, औरंगाबाद की लड़ाई के लिए आज क्या दमदार बात करेंगे, आज उनका संदेश क्या रहेगा देखना चाहेंगे। लाही तो वकल तो अल्लाही वला 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 कुव्वत इल्ला बिल्लाही ललीती। अभी जो प्रस्ताव इन्होंने मंजूर करे औरंगाबाद संभाजी नगर, जब तक चांद सूरज रहेगा औरंगाबाद तेरा नाम रहेगा। और हम इसके आगे जो ये बदतमीज अल्फाज कर रहे हैं, इन्होंने बदतमीज अल्फाज वापरना नहीं, क्योंकि औरंगाबाद नाम है और रहेगा। ये एक ऐसा ईमानदार बादशाह का नाम है और ये बादशाह का नाम ब्राह्मणों ने दिए हुए, ब्राह्मणों ने दिए हुए जेब यानी तखत। औरंगाबाद को मानने वाले लोग ब्राह्मण थे और इन्होंने जब प्रस्ताव मंजूर करते वक्त आवाम का सजेशन, उनकी बात मशवरा लिए क्या नहीं लिए। अरे आवाम को जो शहर में रहते ये नागरिक को कबूल नहीं है ये नाम। तुम उनके बिना इजाज़त तुम्हारे को जो दिल में आता है वो मंजूर करते क्या? अरे विकास की बात करो तुम, 2 करोड़ नौकरियां लगेंगे, आज तक एक नौकरी नहीं। सब टेंडर बेसिक पे रेल बेच रहे, तेल बेच रहे, लोग पैसे लेके भाग जा रहे। तुम्हारे GST, 3 तलाक, स्कूल अजान, ये सारे जो मुद्दे ये विकास के नहीं है। तुम नफरत का माहौल, हिंदू मुसलमान को लड़ाने का, राजकरण रोटियाँ सेकने का काम, तो ये बंद कर देना। इन्होंने विकास की बात करे, विकास का काम ये है क्या? अभी तुम्हारे अब्बा का नाम है समझो शब्बीर खान, तो वो नाम तुम बदल सकते क्या? तो ये नाम कैसा बदल सकते तुम? नाम बदलने का कौन सा ऐसा राजकारण है? उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखो, खुलदाबाद का नाम बदलेंगे तो ये बिल्कुल चलेगा नहीं। अभी इसके आगे ये धरना है, अभी इसके आगे महिला खवातीन पूरे मुसलमान 30 करोड़ रास्ते पे आएंगे, हम रास्ते पे आएंगे और ये प्रस्ताव उनको विखंडित करना पड़ेगा। विखंडित करे भी नहीं, हम चैन से बैठने वाले नहीं। औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद रहेगा और रहेगा। मैडम देखिए, आपने बात करें, आपके जज्बात का आपने जाहिर करें, आप कांग्रेस पार्टी से आती है, हम शहर में घूमते हैं, लोग कहते हैं कांग्रेस के जो नीचे छोटे स्तर के कार्यकर्ता है, माजी नगर सेवक है, जिला अध्यक्ष है, शहर अध्यक्ष है, वार्ड अध्यक्ष है, और जो मुसलमान है उनको काम हो रहा, लेकिन आपको जो बड़े नेता है जो पार्लियामेंट मतलब सांसद में बैठे हुए हैं वो कुछ बोल रहे नहीं, उनके तरफ बयान आ रहे नहीं, तो उनसे कभी बातचीत हुई क्या साहब? हमारी इज्जत का सवाल है। सबसे हुई हमारी बाला साहब तरफ से बात हुई, अशोक चौहान से बात हुई, हम ये कबूल नहीं करें तुम्हारे साथ में रहेंगे। मैं संविधान समिति के अध्यक्ष हूँ, मैं अम्बेडकरवादी हूँ, आप जो घटना के अंदर है संविधान के अंदर ही मैं काम करूँगी। और ये जो संविधान में नहीं है जो इन्होंने खिलाफ करे काम, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखे उसको तोड़ मरोड़ने का काम ये हुकूमत कर रही। तो हम सबको हर कोई भी पक्ष में रहो, मैं सबसे आह्वान करूँगी, कोई राष्ट्रवादी पक्ष में मुसलमान है, कोई MIM में है, कोई कांग्रेस में, NCP सब में है, सबको ये लड़ाई मिलकर लड़ना है हमको, ये मिलकर लड़ना पड़ेगा हमको सबको। औरंगाबाद के तुम रहवासी नहीं है क्या? औरंगाबाद तुम्हारा नहीं है क्या? उनको बताना पड़ेगा सबको ये बात, उनको बार बार गल्लो गल्ली बताना पड़ेगा। ये लड़ाई सबकी है, एक इम्तियाज जलील की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हर नौजवान बच्चे की, हर खवातीन की, हर बुजुर्ग की है लड़ाई। कि हमारे लिए शर्म की बात है ये कि हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हमने बहुत बार छूट दे दिए उनको, क्योंकि हम 3 तलाक का हमारे कुरान के कानून में एक्सेप्ट करने के बाद छोड़ रहे हैं। हमको छोड़ना नहीं है, हम यहाँ नहीं दिल्ली जाएंगे, जंतर मंतर पे भुकटा लगेंगे हम जाके, और वहाँ से ये मुद्दे को हम मनवा के लेंगे। हर लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए हम, और हम लड़ेंगे, नौजवान बच्चों को भी बोलेंगे कि अमन और शांतिपूर्व धरना चलने दो। कि हमको कोई ऐसी बच्चों को उल्टी सीधी बात हम नहीं सिखाएंगे। लोकशाही मार्गे से ये तो हुकुमशाही तानाशाही चला रहे, हम लोकशाही मार्गे से काम करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे और मनवा के लेंगे। और हमारा काम औरंगाबाद है, जब तक चांद सूरज रहेगा औरंगाबाद तेरा नाम रहेगा, औरंगाबाद ही रहेगा। और ये जो बातें कर रहे ना उनको जवाब देंगे हम, हमारी लेडीज़ ख़वातीन जवाब देंगी।
कि खबर उखारे जरा आके बता दो, ज्यादा बात नहीं करते हम, बोलना अलग शक्ल है, करके बताना अलग शक्ल है, तो जरा आ जाओ खुलदाबाद में। मैडम आपने आपके कांग्रेस के नेताओं को बोले कि जरा मंडप पे आइए, अगर हमारे साथ में ऐसा बोले को बताए, मैं आई कल, हमारे हबीब कुरैशी आए, सब आएंगे, बड़े नेताओं को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई ये सर्वजनिक मुद्दा है, ये आपको ही आना पड़ेगा। मेरी कल ही बात हुई रात में बाला साहब थोड़ा से, मैंने अशोक चौहान को भी कहा कि भाई ये जो चलता तो तुम विरोध क्यों नहीं नोन करते उस पर, जब तुमको मतदान आज तक किए लोगों ने और आगे भी करेंगे, लेकिन तुमको काम सीधे तरीके से करना पड़ेगा, जो चल रहा है ये चलेगा नहीं। आपने उनको वार्निंग दी कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम पार्टी छोड़ देंगे? हमने तो रिजाइन कर दिए, छोड़ने की बात क्या है, राजीनामे दे दिए हमने तकरीबन लोगों ने, राष्ट्रवादी के लोगों ने दे दिए, कांग्रेस के दे दिए, तकरीबन लोगों ने दे दिए, आपने देखे होंगे हमारा फेसबुक पर। अभी आपने बोले राजीनामा दे दी, फिर तो पार्टी संबंध नहीं रहा आपका, किसका अभी इतने दिन और दिए ना, बरसों हमने दिए ना उनको, बरसों और दिए ना, बरसों मुसलमानों ने और दिए भाई, तो वो मतलब वो हक हमको भी होना वापिस। आपको लगता है आपकी बात मानेंगे? किसका, अरे मनवाएंगे हम, यहाँ से अब दिल्ली जाएंगे, ये सब जाने वाले पूरे दिल्ली, वहाँ बैठेंगे हम, वहाँ धरना देंगे अभी हम। अच्छा आखिरी सवाल, खादर साहब ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वैसा तो उन्होंने कहा है कि एमआईएम पार्टी का नहीं है, लेकिन फिर भी वो लीड कर रहे हैं, कैसा लगता है आपको एक समाज सेवा के तौर पर उनका लीड करना, आगे बढ़ना? अच्छा है ना, बहुत अच्छा है, मुबारकबाद देते हैं उनको हम तहे दिल से, अच्छा काम है, अच्छा कर रहे हैं। एक मैं इंटरप्ट करूंगा आपका, ये जो खासदार साहब ने ये बोला है कोई दूसरा आदमी इसको लीड करे हम उनके साथ रहेंगे,